हेलो मेरा भाई लोग, आज हम बात करेंगे जो बहुत बढ़िया दो फोन है, पोको एक्स प्रो प्रो 5G एंड रियलमी 9 5G स्प्लिट एडिशन। दोनों 5G फोन, एक के प्राइस है 14,000 अभी और एक के प्राइस अभी 15,000। सो इसी के बारे में आज का वीडियो, ओनली 4 मिनट का वीडियो, फर्स्ट से लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलो हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पोको एक्स प्रो 5G, जिस फोन का प्राइस है अभी ओनली 40,000 विथ 5G 7 बैंड के साथ है। एंड फोन में तुमको मिलते हैं 67 वाट का फास्ट चार्जिंग, 31 मिनट में तुम्हारा फोन का 91% चार्ज कर देगा। अगर तुम्हारा फोन का चार्ज ज़्यादा चाहिए तुम इस फोन में जा सकते हो। एंड फोन का डिस्प्ले सुपर एमोलेड डिस्प्ले एंड 1200 का पिक ब्राइटनेस है, अच्छा है। 5000 का बैटरी है तुमको मिलता है इधर। 6.67 इंच का फुल एच डिस्प्ले मिलता है एंड प्रोसेसर इसका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 695 का प्रोसेसर है। एंड अगर तुम इस प्रोसेसर का ऑक्टा कोर के साथ स्पीड देखोगे, प्रोसेसर स्पीड देखोगे तो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ स्पीड के साथ आएगा इस प्रोसेसर। एंड अभी चलो जाते हैं जो रियलमी 9 5G स्प्लिट एडिशन के पास। सो भाई लोग, दोनों फोन के बारे में हम बात करेंगे, दोनों फोन में कौन सा फोन तुमको लेना सही होगा 5G फोन विथ 15,000 के अंदर, उसी के बारे में आज का वीडियो। इसलिए मैंने बोला फर्स्ट से लास्ट तक वीडियो जरूर देख लेना, अगर गलत शब्द बोल दिया तो माफ कर देना, ठीक है। सो रियलमी 9 5G स्प्लिट एडिशन का जो प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन का 778G का प्रोसेसर है, अच्छा प्रोसेसर है। अगर इस प्रोसेसर का स्पीड हो गया तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का स्पीड के साथ प्रोसेसर इसका प्रोसेसर है। सो उससे इसका प्रोसेसर अच्छा है। एंड ब्राइटनेस अगर देखोगे तो 1000 का पिक ब्राइटनेस है। एंड डिस्प्ले देखोगे तो इसका LCD डिस्प्ले एंड पोको एक्स प्रो का 5G सुपर एमोलेड डिस्प्ले, दोनों में तुम 7 ब्रांड का 5G लगा सकते हो। एंड इस फोन में रियलमी 9 5G स्पीड एडिशन के फोन में जो चार्जर है वो 30 वाट का चार्जर दिया, नॉर्मल चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग है 30 वाट का, लेकिन उसका इसका डबल है, 67 वाट का चार्जर है। उसका प्राइस है 14,000 और स्नैपड्रैगन का फोन का जो रियलमी 9 5G स्प्लिट एडिशन का, इस फोन का प्राइस है 15,000। सो एंड इस फोन का LCD डिस्प्ले है, उसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इसका चार्जर 30 वाट का है, पोको एक्स प्रो का 67 वाट का है। इस फोन का LCD डिस्प्ले, उसका सुपर एमोलेड डिस्प्ले। सो मेरा भाई लोग, अगर आपका पास 15,000 है तुम रियलमी में जा सकते हो। अगर आपके पास 14,000 है, 14,000 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट फोन ढूंढ रहे हो आप 5G फोन विथ सुपर एमोलेड के साथ एंड अच्छा खासा प्रोसेसर के साथ, तो तुम पोको एक्स प्रो प्रो 5G में जा सकते हो। एंड और एक बात, जो टच सैम्पलिंग रेट, जो गेमिंग टाइम टच सैम्पलिंग रेट जो तुम्हारा जो पोको एक्स प्रो प्रो 5G फोन में तुमको मिलते हैं 360 वाट का तुम टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा तुम गेमिंग टाइम। एंड जो रियलमी 9 5G में तुमको मिलेगा 144 का टच सैम्पलिंग रेट तुमको मिलेगा। सो अगर गेमिंग करना चाहते हो, गेमिंग अच्छा टच सैम्पलिंग रेट चाहना चाहते हो, तुम पोको एक्स प्रो प्रो 5G में जा सकते हो। एंड अभी आते जो स्क्रीन रिकॉर्ड करके अगर आप गेम खेलना चाहते हो तो कौन सा फोन में आप जाओगे। सो इस सुनने पहले, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को एक वीडियो के एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरा भाई, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। गेम प्ले अच्छा लगे तुम्हारा भाई का, वन हैंड गेम प्ले अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। एंड कौन सा फोन के बारे में आप वर्सेस देखना चाहते हो वो भी बोल देना, ठीक है। चलो आप देखते हैं कौन सा फोन में अगर स्क्रीन रिकॉर्ड करके गेम खेलोगे तो फोन लैग नहीं होगा, विदाउट लैगिंग स्क्रीन रिकॉर्ड करके तुम ऑल टाइम गेम खेल सकते हो कौन सा फोन में। अगर आप रियलमी 9 5G स्पीडेशन पे स्क्रीन रिकॉर्ड करके ऑल टाइम गेम खेलोगे तो फोन लैग नहीं मारेगा विद हाई ग्राफिक्स पे। लेकिन पोको एक्स प्रो प्रो 5G का जो फोन है ना, उस प्रोसेसर अच्छा है लेकिन इससे थोड़ा लो है। अगर आप दिन में 1-2 घंटा गेम खेलते हो तो स्क्रीन रिकॉर्ड करके गेम खेल सकते हो, परेशान नहीं होगा, ठीक है। सो अगर ज़्यादा खेलते हो तो रियलमी में जाओ, नहीं तो पोको एक्स